नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। हाथरस दुष्कर्म मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, गर्दन की हड्डी के साथ कई जगह से फ्रैक्चर। एक्सप्रेसवे के जरिए हाथरस जाएंगे राहुल प्रियंका, पीड़िता के परिवार से करेंगे मुलाकात। हाथरस मामले में कांग्रेस पर नकवी ने साधा निशाना, कहा बंद हो राजनीतिक पर्यटन। हाथरस मामले से राजस्थान के बाराम की इसकी तुलना पर बोले गहलोत, कहा दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन, पीएम मोदी, शाह और राजनाथ ने राष्ट्रपति को दी जन्मदिन की बधाई। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 63 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 86,821 नए मामले। भाजपा सांसद रवि किशन को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा, मुख्यमंत्री योगी को बोले धन्यवाद। बिहार चुनाव में एनडीए में सीटों के बंटवारे पर आज अंतिम मोहर, नड्डा के घर पहुंचे गृह मंत्री शाह। देश में आज से शुरू हो गया अनलॉक 5.0, केंद्र की राज्यों को कठोर हिदायत, दिशा निर्देशों से छेड़छाड़ पर दंड और जुर्माना। पायल घोष मामले में अनुराग कश्यप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बरसोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे। आईपीएल में सट्टा चला रही 6 वेबसाइटें प्रतिबंधित, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी हटाया। मुंबई के चेंबूर रेलवे स्टेशन के पास बाजार में लगी आग, काबू पाया गया। पटना में सुबह की सैर पर निकले भाजपा नेता की हत्या, 2 दिन पहले हुए थे पार्टी में शामिल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दोहराई गई हाथरस जैसी दरिंदगी, छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल में वेंटिलेटर में धमाके के बाद लगी आग, ऑक्सीजन न मिलने से मरीज की हुई मौत। मायावती की केंद्र सरकार से गुजारिश, योगी को गोरखपुर मठ भेजें और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाएं। लातूर भूकंप के मृतकों की याद में 27 साल बाद बना मेमोरियल, 52 गांव पूरी तरह से हो गए थे ध्वस्त। रद्द हुआ गुजरात सरकार का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजदूरों को ओवरटाइम का पैसा दे कंपनियां। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती, हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, गोलीबारी में 1 जवान शहीद। भाजपा महासचिव विजय वर्गीय का पायलटिंग वाहन पलटा, 3 पुलिसकर्मी घायल। भारतीय सेना और नौसेना में शामिल होगी निर्भय मिसाइल, LAC पर पहले से है तैनात। वंदे भारत मिशन के तहत UAE से 40,000 लोग लौटेंगे स्वदेश, कुल 496 फ्लाइट्स का होगा संचालन। KKR की जीत में चमके गिल और मावी, राजस्थान को 37 रन से हराकर रोका विजय रथ। जीत की पटरी पर लौटने को बेताब पंजाब और मुंबई, आज होगी बढ़त।